सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, हरियाणा पंजाब स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम पंजाब और हरियाणा की बड़ी खबरों पर बात करेंगे जो आपसे सरोकार रखती हैं। तो आज जिन अहम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हरियाणा के भिवानी की। प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल तो हमने आपको दिखाया, लेकिन हम बात करेंगे नकल खेल की। नकल का खेल देश प्रदेश में इतना बढ़ रहा है कि जिसको काबू करने में प्रशासन पस्त होता दिख रहा है। भिवानी से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां बीए के एग्जाम चल रहे हैं तो वहीं छात्र पढ़ाई में कम नकल पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नकल की दुकान पर किस तरह भीड़ लगती है देखिए। इस दुकान में भीड़ देख आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई आवेदन का फॉर्म खरीदने के लिए भीड़ जुटी है, लेकिन नहीं, यहाँ नकल खरीदी जा रही है। नकल की दुकान में इस कदर भीड़ देख हैरानी होती है। भिवानी की तस्वीरें उन परीक्षार्थियों और उनके शुभचिंतकों की है जो परीक्षा में नकल का सहारा लेकर पास हो जाते हैं। छात्र किताबें खरीदने की जगह नकल खरीद रहे हैं, क्योंकि किताबें तो 100, 200, 300 रुपए में मिलती है, लेकिन नकल की ये पोथियां जीरो साइज फोटोकॉपी के रूप में सिर्फ 30-40 रुपए में। हैरानी तो तब और होती है जब खुद छात्र इस बात को कबूल करने पर गुरेज नहीं करते कि वो नकल खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ युवक तो इसकी सराहना करते हुए ये कह रहे हैं कि अच्छा है कि अगर पास हो जाए, पास होंगे तो ही तो ब्याह होगा। यकीन नहीं होता तो सुनिए। 30 रुपया में नकल मिला है, सही है, मजा आ रहा है, बालक पास हो जाऊंगे, ब्याह हो जाऊंगा। जीरो कॉपी की क्या जरूरत है, बड़ी महीना को से देखना। तो अपने स्टूडेंटों से जाके पूछे कॉलेज में किस लिए जरूरत होती है। आप नकल को बढ़ावा दे रहे हैं, हम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल हर बार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में इसी तरह का आलम देखने को मिलता है। परीक्षा के करीब आने पर इस तरह की दुकानों पर मेला लग जाता है, जिस पर प्रशासन की कोई नजर नहीं होती। ऐसे में कैसे सुनहरे भविष्य का सपना देख सकते हैं हम। भिवानी से दीपक मुतेजा की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ लाइनें किताबों को खरीदने के लिए नहीं, बल्कि 30-40 रुपए में नकल खरीदने के लिए लाइनें यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं उनकी तरफ से लगाई जा रही है। और इस बात से वो गुरेज भी नहीं कर रहे हैं, इस बात से वो हिचक भी नहीं रहे हैं कि वो यहाँ पर नकल खरीदने आए हैं। तो आप इन तस्वीरों को देखकर शायद आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा कि आखिर आने वाले जो परीक्षा जो शिक्षक है वो किस तरह के होंगे, जो आने वाला जो भविष्य है वो किस तरह का होगा। आप देख सकते हैं, मैं 30-40 रुपए में यहाँ पर फोटोकॉपी खरीदी जा रही है। जब वो परीक्षा देने जाए तो इस फोटोकॉपी का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन सवालों के घेरे में यहाँ पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम दावे किए जाते हैं नकल को रोकने के लिए, लेकिन बावजूद इसके जो परीक्षार्थी हैं जिनकी तरफ से परीक्षा दी जाती है वो किसी भी तरीके से नकल करने से परहेज नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं सरेआम यहाँ पर किस तरह से नकल की जो कॉपी है वो फोटोकॉपी यहाँ पर बेची जा रही है, और जो परीक्षार्थी हैं उनकी लंबी लाइनें भी यहाँ पर लगी हुई हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें गलत ही क्या, हम क्या गलत कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि आने वाला भविष्य आखिर इस तरह का, किस तरह से जो अंधेरे में जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर परीक्षार्थी परीक्षा पे कम, पढ़ाई पर कम, नकल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और नकल के अलग अलग तरीके किस तरह से अपनाए जाते हैं वो आप तस्वीरों से देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर जो फोटोकॉपी है वो खरीदते हुए नजर आए। आपने सुना भी कि जो परीक्षार्थी है जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो उनको जरा सा भी इस बात से जो हिचक है वो होते हुए नजर नहीं आ रही कि वो कुछ गलती कर रहे हैं। साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें गलत क्या है, इसमें हर्ज क्या है, फोटोकॉपी यहाँ पर किस तरह से खरीदी जा रही है। और आप देख सकते हैं, मैं 30-40 रुपए में यहाँ पर जो नकल है वो करवाने की जो कोशिश है वो किस तरह से की जा रही है वो आप देख सकते हैं। तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये जो तस्वीरें हैं वो इनसे बेखबर क्यों है। और अगर तस्वीरें वो अगर अब भी देख रहे हैं तो उसके बावजूद भी, क्योंकि पहली खबर इस तरह की सामने नहीं आई है, पहली
की कोई तस्वीर इस तरह की सामने नहीं आई है। आए दिन इस तरह की नकल की जो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं परीक्षार्थियों की तरफ से, आए दिन इस तरह की पोल खुलती नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से नकल पर नकेल कसी जा रही है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खुलेआम जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर नकल खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो महज 30 से 40 रुपए में ये फोटोकॉपी खरीदी जाती है और जब परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं तो इन फोटोकॉपी का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हैं और जो दावे यहाँ पर किए जाते हैं कि नकल को रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, उसका खौफ भी यहाँ पर नजर परीक्षार्थियों में नहीं आ रहा है। तो भिवानी की ये तस्वीरें हैं जो बेहद ही चौंकाने वाली और कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े कर रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसको रोकने के लिए जो तमाम दावे किए जाते हैं वो आखिर क्यों धरातल पर उतरते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर प्रशासन का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है, क्यों खुलेआम इस तरह से जो नकल के तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं, नकल को इस तरह से खुलेआम खरीदा जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट